तो अभी जो है मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ, उस पेड़ पे बैठने वाला हूँ। आंधी तेज आ रही है मम्मी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू डे एंड न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है यहाँ से, और अभी देखो कि आज का मौसम जो है सुबह में तो ठीक था, मतलब धूप निकली थी कड़क वाली, मगर अभी जो है पूरी की पूरी धूप गायब हो चुकी है। और ये देखो कितने काले काले और घने बादल आ चुके हैं आसमान में, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है गाइस, अंधेरा और आंधी आने वाली है। ये देखो नीम के पेड़ की सारी पत्तियां जो है झड़ रही हैं, ये देखो आप पूरा बिछ गया है, पत्तियों का जाल बिछ गया है गाइस। तो अभी जो है बहुत ही तेज हो सकता है आंधी आए और साथ में पानी भी बरसे। तो अभी जो है मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ, कितनी भी तेज आंधी आए और तूफान आए मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ आज। देखते हैं कि क्या मैं इस चैलेंज को कर पाता हूँ या नहीं। सो लेट्स गो। और ये देखो आंधी अभी तेज हो रही है धीरे धीरे। ये देखो पत्तियाँ कैसे उड़ रही हैं गाइस, ये देखो बाप रे, ये देखो कितनी भयानक तरीके से भयंकर आंधी आने वाली है और तूफान। वो देखो सामने के सामने जो जंगल है हमारे घर के सामने, वहाँ पे भी जो है सारी की सारी पत्तियाँ उड़ रही हैं, ये देखो आप। इन सबको भी इस चैलेंज में जो है बुलाया, मगर इनका जो है ना, इनके पास इतनी औकात नहीं है कि ये इस चैलेंज को कर पाएं, इतनी तेज आंधी में बाहर आ पाएं। तो इन्होंने साफ मुंह पे मना कर दिया है गाइस। कोई बात नहीं, मैं इस चैलेंज को अकेले करूंगा, देखते हैं कि मैं इस आंधी में कितनी देर टिका रह सकता हूँ। सो लेट्स। और मैं ना उस पेड़ पे बैठने वाला हूँ, उस पेड़ पे देख रहे हो नीम का पेड़ है, वहीं पे बैठूंगा और चाहे जितनी तेज आंधी है, चाहे जितनी तेज, मैं वहां से आज उतरूंगा नहीं। अभी जो है आंधी धीरे धीरे तेज हो रही है, मैं चलता हूँ अपने चैलेंज को अंजाम देने। वैसा तो मैं पिछले काफी दिनों से पेड़ पे नहीं चढ़ा हूँ, तो पेड़ पे चढ़ना मेरे लिए एक बहुत ही कठिन समस्या है, मगर इस समस्या से मैं देखता हूँ निपट पाऊंगा या नहीं। कैसे चढ़ूँ यार, बहुत मोटा है पेड़ पे, कैसे चढ़ूँ भाई, पैर से बताओ, हाथ से भी। पागलों की भांति व्यवहार ना करें, वरना पीते जाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, उसे कुत्ते की भांति दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे आप। तो अभी मैं पेड़ पे आ चुका हूँ और अब इंतजार करते हैं आंधी के तेज होने का, देखते हैं कितनी तेज आंधी आएगी आज। लेट्स रेडी। मैं थोड़ा और ऊपर जाऊँ? नहीं ना, जा जा, ये भी कोई हवा है यार, आंधी खत्म होने वाली है मुझे लगता है। तुम्हें देख के कि तुम इतनी भयंकर चैलेंज ले रहे हो, वो डर गई। आंधी डर रही है गाइस मेरे चैलेंज से, खत्म होने वाली है एकदम। देखो मेरे हाथ में क्या लग गया, खरोच लग गई चढ़ते चढ़ते। वहाँ 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 पे वहाँ पे धूल उड़ रही है, बहुत तेज, बहुत तेज आंधी आ रही है उधर ही से। हाँ मुझे बैठने में काफी दिक्कत हो रही है यहाँ, कैसे बैठूं? क्यों दिक्कत क्यों हो रही है? मम्मी बोल रही है तकिया ले लो। तो अभी ये रॉनी यहाँ पे सो रहा है एंड इस रॉनी का तकिया मांग रहे हैं, रॉनी का तकिया चाहिए इनको बैठने के लिए। तो ये ले। तो अभी इस चैलेंज में कितनी दिक्कतें आए, मैं उसे पार करने वाला हूँ गाइस। रॉनी के तकिया पे बैठा जा रहा, तकिया लगा के बैठ चुका हूँ पेड़ पे। डन 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 डन। मुझे क्या लगता है कि इस लिपस्टिक के पेड़ पे, लिप्टस इस लिप्टस के पेड़ के ऊपर वहाँ इसके टॉप पे बैठना चाहिए था, तब पता चलता कुछ चैलेंज है। अच्छा या... तो यहाँ पे भी बैठना बहुत मुश्किल है अगर तेज आंधी आई तो डाल टूट के मेरे ऊपर गिर गई, पता नहीं वहाँ देखो नहीं होगा। और चारों तरफ पता नहीं कहाँ से धुआं धुआं ही नजर आ रहा है यार, लेकिन मैं उतर नहीं पाऊंगा अगर बहुत तेज आंधी आ गई तो जल्दी से। तो उतरना मत, वहीं पे बैठे रहना। आंधी खत्म होगी और इसका चैलेंज धरा का धरा रह गया इसी पेड़ पे। अगले दिन आंधी आएगी और बारिश होगी, फिर ये चैलेंज कंप्लीट करेगा। नहीं यार, क्योंकि आंधी बहुत ही स्लो हो चुकी है। मैं बहुत मुश्किल से इस चैलेंज को लेके यहाँ पे आया हूँ, आज ही कंप्लीट होना चाहिए गाइस। अरे आंधी नहीं आएगी, आंधी लाओगे? तुम जाके भगवान से प्रे करो कि आंधी आए।
तो अभी जो है आंधी धीरे धीरे तेज हो रही है और वहां पे देखो वो गई है चैलेंज करने छत पे, मेरी बहन ढाई पसली है, वो देखो वहां पे है। आंधी जो है थोड़ी सी तेज होती है और फिर धीरे हो जाती है एकदम। तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ बैठ के, चाहे जब आएगी आंधी तब तक मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा। आज मुझे यहाँ पे बैठे बैठे कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं, लेकिन आंधी ने अपना रुख अभी तक नहीं बदला है, वो बिल्कुल भी तेज़ नहीं हुई है। डेढ़ पसली वहाँ पे बैठ के फ़ोन चला रही है, इसे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं कोई भी चैलेंज करूँ, मैं पेड़ की पुलुई पे बैठूँ या पेड़ पे बैठूँ, कितनी भी आंधी आए मैं गिरूँ उठूँ, ये देखो बैठ के अपना फ़ोन चला रही है केवल बस। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ देखो पेड़ पे लाल वाली चींटियाँ भी हैं यार, जो कि मुझे काट सकती हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़, और इसे मैं अभी फूंक मार के नीचे गिरा दूंगा, नहीं तो ये अगर मुझे काट लेगी ना तो मुझे यहाँ से उतरना पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ काटती हैं, इन्हें हमारी भाषा में माटा बोलते हैं, माटा। तो अभी मैं फूंक मार के इसे गिरा रहा था लेकिन ये गिर नहीं रही है नीचे। अभी मैं इसे हाथ से गिरा दूंगा। अभी इसको इस लकड़ी पे चढ़ाऊंगा और फिर फेंक दूंगा नीचे। आजा 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 आजा। तो ये अभी लकड़ी पे आ गया और मैंने उसे नीचे फेंक दिया। तो अभी जो है मुझे पेड़ पे बैठे बैठे लगभग एक घंटे हो चुके हैं और आंधी कुछ खास आई नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़। अभी जो है मेरे पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा है क्योंकि मैं एक घंटे से बैठा हूँ इस पे। और अभी वो देखो वो विकास भी उठ के आ चुका है, अभी देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा होता है जब ये मुझे पेड़ पे बैठे हुए देखेगा, क्योंकि ये जो है अभी तक सो रहा था। ओए हाय, अबे इसे तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, वो देखो हाय बोल के चला गया यार। तो वो भी अभी जा रहा है छत पे, अभी देखना यहाँ पे आएगा। और वो दोनों पहले से ही काफ़ी देर से छत पे टहल रही हैं, चैलेंज कर रही हैं आंधी का, लेकिन आंधी आ ही नहीं रही है। और वो देखो वो भी आ चुका है छत पे, और अब वो तीनों बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही बात कर रहे हैं। अबे तो अभी मुझे लगता है कि आंधी तेज आ रही है, ये देखो आप आंधी काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है, अब मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। तो अभी मेरी बहन डेढ़ पसली आ चुकी है, ये पकड़ो यार जल्दी से, और अभी दूर से रिकॉर्ड करना। ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, पानी के साथ पानी भी आने वाला है यार, प्लीज नीचे उतरो। बहुत ठंडी हो रही है, डेढ़ घंटे से वेट कर रहा हूँ आंधी का, अगर अब आंधी आने वाली है तो अब मैं नीचे थोड़ी उतरूंगा। वेट एंड वॉच। ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय ओम। थोड़ा और ऊपर जाके बैठू क्या? क्या लगता है मुझे एकदम पुलुई पे जाके बैठना चाहिए कि नहीं? छत पे जाके देखो वो दोनों क्या कर रही है। छत पे? हाँ। इतनी ठंड में वो देखो क्या कर रही, जाओ ना। ये दोनों बदतमीज लोग छत पे क्या कर रही हो? सूर्य भगवान निकल गए गाइस, बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी, क्या कर रही हो यहाँ पे? बातें चल रही थी, बातें इतनी तेज आंधी चल रही है, तुम्हारी बातें नहीं खत्म हो रही। हाय बंदर, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। गेहूँ है या धान है? ये गेहूँ है ना? हाँ मुझे पता है, वो सारे गिर गए। मैं नीचे ना उठ जाऊँ। चलो
डंडा फंस गया था। बारिश शुरू हो गई। यहाँ पे सारे लोग हेलो। बारिश शुरू हो गई है। के साथ साथ अभी जो है बूंदे गिरने लगी बड़ी बड़ी। तो अभी जो है बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है अगर बारिश भी हुई तो। अच्छा, तब तक मैं बारिश में गाना गाता हूँ। और ये देखो कहाँ ये लोग जा रही है टहलने। जाने दो यार, चलो जल्दी चलते हैं। अरे कितने दिन हो गए यार, चलो प्लीज यार। हाँ यार, उतर जाओ भाई, बहुत देर से 2 घंटे हो गए। तो अभी जो बारिश में थोड़ा सा भीग लेता हूँ, इसके बाद ना ही आंधी ज्यादा तेज आने की कोई वो दिख रही है गाइस, मतलब आशा, और ना ही पानी ज्यादा तेज आने की आशा दिख रही है। देखो सारे बादल गायब हो रहे हैं धीरे धीरे अब। तो अभी मैं नीचे आ रहा हूँ इससे, और चलते हैं खेत में, मैं आपको खेत दिखा के लाता हूँ अपना। चलते हैं सीधा गेहूँ देखने। तो अभी इस पे से उतरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है यार। और कैसे उतरूँ मैं इस पे से, पकड़ने के लिए कोई डाल भी नहीं है। मम्मी उतर नीचे, उतर उतर। अबे आंधी, ऐसे लटक जाओ फिर कूद जाओ। अरे मम्मी, हाँ उतरना ही पड़ेगा, कुछ है नहीं ऑप्शन तुम्हारे पास, जल्दी करो यार, बारिश में भिगा रहे हो मुझे खड़ा कर। उतरो या ना उतरो, मैं जा रही हूँ। अरे यार कैसे उतरू बे, कैसे उतरा जाता है, कैसे चढ़े थे वही से उतरो। अबे हाथ छूट जाएगा कसम से, नहीं छूटेगा मुझे उतरने का सम्मान। मैं जा रही हूँ। रोते रोते बहुत देर कन्विंस करने के बाद उतर रहे, कुछ नहीं होगा सच में। हाँ ऐसे करो, लटक जाओ बस, एकदम नीचे आ जाओगे, ज्यादा ऊपर थोड़ी ना है। हाँ आराम से, बस बस बस, पैर उतारो नीचे, बोला पैर उतारो, कैसे उतारना था। हाँ ये वाला पैर नीचे करो, पहला नाच में गिर जाओ, पहला नाच में गिर जाओ। करो, गिरोगे नहीं यार, बात नहीं समझ रहे हो। हाँ तकिया गिरा दिया मेरे कुत्ते का। कुत्ते को पेड़ पे चढ़ना सिखा के ये भाई साहब खुद ना पेड़ पे चढ़ पा रहे थे और ना ही उतर पा रहे, वैसे इनकी हालत काफी खराब है। बस बस आराम से, हाथ से जंप। तकिया फेंक रहा। मैंने जंग जीत ली पेड़ से उतर के, भाई साहब इतना डर लग रहा था यार। ये देखो क्या हो गया, छिल गया सारा। मैं काफी दिनों बाद ऐसे पेड़ पे चढ़ा, यहाँ से उतरना बहुत आसान लगता है ना भाई, चढ़ के देखो तब पता लगेगा। एक तो इतना मोटा पेड़ है, पकड़ में नहीं आ रहा था, पैर वैर बहुत ज्यादा दुखने लगा है मेरा। और अभी मैं खेत में जाने वाला था, लेकिन वो देखो अम्मा जी और मेरी दोनों बहनें जो है गेहूँ देख कर खेत से वापस आ रही हैं, तो अभी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं अब खेत पे तो आज नहीं जा रहा हूँ, किसी और दिन जाएंगे। बट यार मैंने सोचा था आंधी काफ़ी तेज आएगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी जो है अम्मा जी गेहूँ देख कर वापस आ चुकी हैं, इनका कहना है कि हमारे खेत का जो एक खेत का गेहूँ है वो पूरा गिर चुका है, क्योंकि कल शाम को ही बाबा जी ने उसमें पानी भर दिया था, जिसकी वजह से अभी इतनी तेज हवाओं के चलने से ही वो गिर गया। तो अभी जो है ये वाला रूम जो है लॉक है, और इसके अंदर वो दोनों बंद हैं, मेरी बहन ढाई पसली और आधा। देखो अम्मा जी ने रूम आके खोला तब जाके ये निकल रही हैं। इतनी देर से खोलो खोलो खोलो, बंद दरवाजा खोलो। और इससे हम सब निकल रहे हैं। रूम भी लॉक है, हम निकले थे खोलने के लिए उसको, लेकिन जैसे ही पहुंचे तो हमने देखा हमारा दरवाजा भी लॉक है। हाँ जी सुनाइए, औकात तो निकल के दिखाइए। औकात तो हम आपको दिखाते अभी, लेकिन पहले हमारा दरवाजा ही लॉक हो गया। खोल खोल खोलो, क्या हो गया तुमको? पागल हो रही धीरे धीरे। ये कौन सी हंसी है? मुझे सही से हंसी नहीं आती है, मतलब
मैं सही से हंस नहीं पाती हूँ, तो मैं सिखा दूँ क्या हंसना? तो वो पता क्या होता है कि जब मैं हंसी आती है तो बहुत तेज से आती है, बट अच्छा तेज से हंस नहीं पाती हूँ तो सांस फूलने लगती है, तो इसलिए बहुत अजीब सी हंसी आती है तो मैं अच्छा, हंस नहीं पाती हूँ। अच्छा, अरे कहना क्या चाहती हो? मुझे हंसना नहीं आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है, मैं हंस नहीं पा रही हूँ। तो अभी जो है फाइनली दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये देखो धूप निकल चुकी है यार, आंधी और तूफान सब कुछ चला गया, बारिश भी बिल्कुल भी नहीं हुई और मेरा चैलेंज भी खराब हो गया। जमानी को तोड़ दूंगी पत्ती से। अभी वो भाग जाएगा यार उधर, पकड़ पकड़ पकड़, आजा आजा आजा। तो अभी यहाँ पे जो है रोनी की ट्रेनिंग चल रही है गाइस। छोड़ दे इसको, बन जा रहे हो, छोड़ दे इसको, बन जा रहे। ये तकिया अपना छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे इसका दांत टूट जाए। देख छोड़ेगा या नहीं, उठा ले, उठा ना अबे, आराम से उठा, ऐसे ऊपर उठा। अभी मैं उसको वो वाली एकदम हैवी वाली ट्रेनिंग देने वाला हूँ जो कोई नहीं दे पाया अपने कुत्ते को। तो अभी ये देखो आप, भाई साहब इसका दांत फंस गया बेचारे, टूट जाए रानी, छोड़ दे भाई ये छोड़ेगा। यहाँ पे ये देखो गुड़हल का फूल कितना अच्छा लग रहा है, और वहाँ पे है ये देखो, यहाँ पे एक पेड़ है घर के साइड में और उस साइड में भी गुड़हल का एक पेड़ है। इसके नीचे क्यारियां बनाते, यहाँ पे देखो बगल में हमारा यहाँ से वहाँ तक पूरा प्लॉट है जिसमें हम सब्जी। अभी 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 आप बताइए, मैं शूट कर रही हूँ, आप बताइए क्या है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा प्लॉट है जिसमें हम सब्जी की खेती करते हैं, तो अभी इसमें कुछ सब्जियाँ बैठा दी गई हैं, मतलब सब्जी के पौधे लगा दिए गए हैं। किस प्रकार की सब्जियाँ, वो कहाँ है? इसमें भिंडी उंडी कर भिंडी उंडी कर अरे यार क्या कर रही है? लग बाय चांस, चलिए बताइए आप, आइए आइए प्लीज यहाँ, इधर आइए। मेरी चोटी में फंस गया था तुम्हारा हाथ, सच में झूठ बोलो यार, पूरा टूट, बार बार झूठ बोलो। अरे यार अरे यार फूल खिला रही है मुझे। अरे रानी बचाओ, अटैक, भागो भैया भागो। ये दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसे आ रहे हैं, फूल खिलाने लाए हैं इसको, लगता है मुझे फूल खिला देगा। इन दोनों को मैं दे रही हूँ कि ये दोनों खुलेगी, आओ खोलो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरी चुटिया का बाल गिर गया कहीं, कहाँ गिरा? खुद ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ होगी? रुक जाओ, ये देखो देखो मेरी चुटिया का बाल, देखो यार बाल, देखो मेरी चुटिया का, रुको भाग क्यों रहे हो, कुछ लाया थोड़ी हूँ, बाल देखो मेरी चुटिया का, ये मेरी चुटिया का बाल है, इसको फूल खिलाओ। मेरी चुटिया का बाल मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे गिरा था, ये देखो ये रहा।
ये रहा मेरी चुटिया का बाल, ये देखो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो अभी हो चुकी है शाम और अभी मैं पी रहा हूँ चाय। और जैसा कि आज आंधी ना आने की वजह से हमारा चैलेंज तो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अभी मैं वेट करूँगा जिस दिन फिर से आंधी आएगी तगड़ी वाली, उस दिन मैं इस चैलेंज को ज़रूर कंप्लीट करूँगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, एंड मिलते हैं आपसे कल एक नए और तगड़े चैलेंज के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम। आधी आई होती तो आप देखते, आधी कैसे आधी आधी नहीं आई गाइस।